Good morning, everyone. So today's class, we are going to learn about computer and its uses. Now, this chapter, we can learn computer and its uses. Very good. So let's start. Children's. We have already learned that a computer is a very useful machine, right? In the previous chapters, we have learned about computer is a very useful machine. Okay, let us find how the computer help us. Let us find out how the computer help us. Okay. Computer works with speed. A computer saves our time and energy also. We can read, type and draw the color and color on computer. Right? हम कैसे बता सकते हैं कि चल कंप्यूटर हमारे लिए हेल्प करता है? कंप्यूटर वर्क विद स्पीड. कंप्यूटर स्पीड से वर्क करता है जल्दी जल्दी. It can also save our time. ये हमारा समय बचाता है और एनर्जी को भी सेव करता है. Right? We can read and type and draw and color on computer. हम इसमें पढ़ सकते हैं, टाइप कर सकते हैं, लिख सकते हैं, कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं, कलर कर सकते हैं. Right? देखो कंप्यूटर एंड इट्स यूजेस. नेक्स्ट वन इज कंप्यूटर एंड इट्स यूजेस. वी कैन इवन सॉल्व सम्स. हम इसमें सम्स कर सकते हैं, सम सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है. वी कैन लिसन सॉन्ग्स एंड वॉच मूवीज ऑन कंप्यूटर्स. हम इसमें अपने म्यूजिक सुन सकते हैं, मूवीज एंड कार्टून्स वॉच कर सकते हैं. राइट ना. वी कैन रीड, टाइप एंड ड्रॉ एंड कलर ऑन कंप्यूटर. मैम ने लाइक अभी बताया, जैसे हम इसमें कुछ भी लिख सकते हैं, रीड कर सकते हैं, वॉच कर सकते हैं थ्रू कंप्यूटर. वी कैन प्ले गेम्स. हम इसमें गेम्स खेल सकते हैं. स्टोर इंफॉर्मेशन. हम इसमें इंफॉर्मेशन भी स्टोर कर सकते हैं. क्लियर. नेक्स्ट वन इज We can type a document on computer. हम कोई भी document type कर सकते हैं just by using the keyboard. Okay? We can watch a movie. Okay? We can draw and color. You can draw and paint anything very easily just by using the mouse. Okay? आप कोई भी चीज draw कर सकते हो, कोई भी चीज use करते हो, कर सकते हो just using the mouse. आप mouse को use करके. ठीक है. We can send emails. आप mail send कर सकते हो किसी को भी just by using keyboard. Okay? We can listen songs. आप कोई भी song सुन सकते हो using headphones and speaker. Just by using headphones and speakers. Very good. Right? We can do sums. आप कोई भी sum solve कर सकते हो. You can solve your sums very quickly and accurate. ठीक है. आप कोई भी sums इससे जल्दी से जल्दी solve कर सकते हो बहुत ही आसानी से. राइट. आप कोई भी गेम खेल सकते हो, जैसे मैं आपने प्रीवियस अभी बताया. यू कैन प्ले लॉट्स ऑफ गेम्स ऑन अ कंप्यूटर. यू कैन प्ले गेम्स सच एज बॉक्सिंग, क्रिकेट, कार रेसिंग एंड अदर गेम्स. ओके. नेक्स्ट वन इज रोल ऑफ कंप्यूटर इन लर्निंग एंड टीचिंग. इस हमारे हमारे कंप्यूटर का रोल क्या होता है कंप्यूटर में, कंप्यूटर का लर्निंग में एंड टीचिंग में. ठीक है. In the part of learning and teaching, computer has an important role. ठीक है. Computers are
कंप्यूटर्स आर चेंजिंग द वर्ल्ड वेरी फास्ट. कंप्यूटर ने हमारा वर्ल्ड बहुत जल्दी चेंज किया है, ठीक है. टू कीप अप विद दीज चेंजेस वी शुड ऑल्सो ब्रिंग द चेंजेस इन अवर वे ऑफ लर्निंग. इनको यूज करके, इनके चेंजेस के थ्रू हमने क्या करा है, काफी सारे लर्निंग के वे चेंजेस करे हैं. लाइक आप अभी का देख लो, लाइक ऑन दीज डेज इन द पेंडेमिक यू कैन स्टडी बट थ्रू ऑनलाइन स्टडी, राइट ना. आप किसके थ्रू कर सकते हो, ऑनलाइन स्टडी के थ्रू कर रहे हो ना. आप लोग घर बैठे बैठे एजुकेशन ले पा रहे हो ना, किसकी मदद से, कंप्यूटर के ऐप से, राइट. आपके पढ़ाने के तरीके बदल गए हैं, काफी सारे चेंजेस आ गए हैं. आपको कंप्यूटर के थ्रू मैम पीपीटी शेयर करके पढ़ाते हैं, आपको इंटरेस्टिंग वीडियोस थ्रू कंप्यूटर मैम शो करते हैं, राइट ना. लाइक वी गेट वर्कशीट्स, क्वेश्चन पेपर्स एंड क्विज ऑन अ सिंगल क्लिक. आप एक सिंगल क्लिक से क्या क्या चीजें कर सकते हो, वर्कशीट्स, क्वेश्चन पेपर एंड क्विज. आपके पेपर्स, वर्कशीट, क्वेश्चन पेपर्स जो जो हैं, सब किसके थ्रू बन रहे हैं, कंप्यूटर के थ्रू. और सिंगल क्लिक से आप फटाफट उसके आंसर्स दे पाते हो, राइट. स्मार्ट क्लास एंड ऑनलाइन क्लास कैन ऑल्सो बी डन ऑन कंप्यूटर्स. मैम ने जैसे अभी बताया, इन द पेंडेमिक आप लोग कंप्यूटर के थ्रू पढ़ रहे हो, स्मार्ट क्लास ऑनलाइन क्लास ले रहे हो, किसके थ्रू, कंप्यूटर के थ्रू. वेरी गुड, राइट. नाउ लेट्स सी यूज द कंप्यूटर्स. ओके, लेट्स सी यूजेस द कंप्यूटर एट बैंक्स, राइट. बैंक्स में आप कैसे यूज कर सकते हो कंप्यूटर का. आपको कोई भी मनी विड्रॉ करना है या फिर सबमिट करना है अपना, है ना, तो आप थ्रू बैंक में कैसे जाके कर सकते हो, थ्रू बैंक में कंप्यूटर के थ्रू आप इसको यूज कर सकते हो, राइट. आपको कोई भी मनी विड्रॉ करना होता है आप एटीएम में जाके करते हो, वो भी एक तरीके का कंप्यूटर ही हुआ, राइट ना. देखो नेक्स्ट वन इज एट ऑफिस एंड शॉप्स. आप किसी भी ऑफिस में जाते हो, शॉप्स में जाते हो, तो आप क्या करते हो, क्या देखते हो. आजकल जो डिजिटल इंडिया हो गया हमारा, उसमें हम क्या कर सकते हैं, कोई भी शॉपिंग करनी होती है आप ऑनलाइन कर देते हो, राइट. कोई भी पेमेंट करनी होती है आप कंप्यूटर के थ्रू कर देते हो, अपना फोन से कर देते हो, स्मार्टफोन से कर देते हो, राइट ना. ऑफिस में जाओगे, आपको अपने वर्क किसके थ्रू करना होता है, कंप्यूटर के थ्रू करना होता है, ठीक है. हॉस्पिटल्स में क्या होता है, आपका पेशेंट का रिकॉर्ड हमको मेंटेन करके रखना होता है, कोई डेटा सबमिट करना है तो आप थ्रू कंप्यूटर उसको सबमिट कर सकते हो. हॉस्पिटल में किसी पेशेंट की लिस्ट से ऐड करनी है, आपको नेम ऐड करना है, तो थ्रू कंप्यूटर आप उसको ऐड कर सकते हो, राइट. हम इतना सारा डेटा तो अपने माइंड में स्टोर नहीं कर सकते है ना, तो हमारे को इन सब अलग अलग एरियाज में हमें हेल्प करता है कंप्यूटर. बैंक में कोई डेटा सेव करना है, आपने कितना मनी विड्रॉ किया है, कितना सबमिट किया है, तो आप कहाँ पे करते हो, कंप्यूटर पर. ऑफिस में कोई डेटा सबमिट करना है, ये एम्प्लॉय यहाँ पर आया, अब आया था, ये एम्प्लॉय अब जा रहा है, तो वो डेटा आप कब कैसे रख सकते हो, थ्रू कंप्यूटर. ओके, नेक्स्ट वन इज एट रेलवे स्टेशन एंड एयरपोर्ट. आप क्या कर सकते हो, एयरपोर्ट पे कोई भी पैसेंजर जब अपनी टिकट बुक करता है अराइव की और जाने की, तो आप क्या कैसे कर सकते हो उसको, थ्रू कंप्यूटर. कोई भी टिकट बुक करना है आपको, तो आप थ्रू कंप्यूटर आप उसको बुक कर सकते हो. एट स्कूल्स, अब देखो स्कूल्स में क्या हो रहा है, हम आजकल ले लेते हैं. अब इस पैंडेमिक में आपका स्कूल्स में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या हुआ है, कंप्यूटर्स, राइट. कंप्यूटर्स, स्मार्टफोन्स, बिकॉज इसके थ्रू हम आप लोगों को एजुकेशन प्रोवाइड करा पा रहे हैं, राइट ना. तो एजुकेशन के डिपार्टमेंट में कंप्यूटर का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है बिकॉज ऑफ दीज रीजंस, राइट. क्योंकि हम आपको एजुकेशन प्रोवाइड करा पा रहे हैं बिकॉज ऑफ कंप्यूटर्स, राइट. एट स्पेस रिसर्च एंड डिफेंस, आप क्या कर सकते हो रिसर्च के लिए, ठीक.
ठीक है, रिसर्च के लिए कोई भी आपको रिसर्च करनी है तो उसके लिए आप थ्रू कंप्यूटर रिसर्च कर सकते हो। कोई भी आपको डिफेंस के लिए कुछ करना है तो आप थ्रू कंप्यूटर उसको कर सकते हो। कोई सैटेलाइट आपको ऊपर भेजना है तो आप थ्रू कंप्यूटर ही तो उसको कंट्रोल करोगे, है ना? वहां पास में जाके तो उसको कंट्रोल नहीं कर पाओगे ना। तो हम लोग थ्रू कंप्यूटर बहुत सारी चीज कर सकते हैं। ये हमारे अलग अलग एरियाज में बहुत हेल्प करता है कंप्यूटर। होम्स, एट होम्स, होम्स में आप कैसे कर सकते हो? घर बैठे बैठे आप क्लासेस ले पा रहे हो, कुछ चीज डिस्क्राइब कर पा रहे हो थ्रू कंप्यूटर, राइट? आप घर पे गेम खेल सकते हो, म्यूजिक सुन सकते हो, मूवीज वॉच कर सकते हो, अपना वर्क थ्रू कंप्यूटर कर सकते हो, चैटिंग कर सकते हो। सो मैनी थिंग्स यू कैन डू योर कंप्यूटर्स, राइट? देखो, एंड यूजेज ऑफ कंप्यूटर इन डिफरेंट फील्ड्स, इन सब फील्ड्स में आप लोगों को कंप्यूटर बहुत अलग अलग बेस से हेल्प करता है। फर्स्टली एजुकेशन, मैम ने जैसे भी बताया, आप अपनी एजुकेशन थ्रू कंप्यूटर ले सकते हो। कोई आपको मैसेज कन्वे करना है थ्रू कंप्यूटर आप कर सकते हो। गवर्नमेंट ऑफिसेज में कंप्यूटर का इतना यूज होता है, बैंक्स में, स्पोर्ट्स में, डिफेंस एंड एनवायरनमेंट में, हॉस्पिटल्स में, होम्स में, मेडिकल फील्ड में, बिजनेस में, टेक्नोलॉजी में, सब चीज में कंप्यूटर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, राइट? ये हमें बहुत अलग अलग तरीके से, बहुत अलग अलग वे से, अलग अलग फील्ड में बहुत हेल्प करता है, जिससे हमारी डेली लाइफ बहुत इजी हो जाती है। क्लियर? ओके, नाउ इट्स टाइम टू से बाय बाय, थैंक यू।